हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर प्रीवियसली आस्क्ड इन गेट एग्ज़ाम। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपके अपकमिंग गेट के एग्ज़ाम और NTA नेट या CSIR का जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रेड्स हैं, तो उस ग्रुप से भी रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हैं, ये क्वेश्चन आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से वाच कीजिए वीडियो और जो क्वेश्चंस को समझिए। इसके बाद आप अपने नोट्स में इनको ऐड कर लेना और बार बार इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। देखना आपको जो भी CSIT या इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स हैं, उसमें क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके से ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जाएंगे और आपका जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम है वो आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन है आपका 4-3, इसका बेस आपका है x और ये नंबर आपका बराबर है y3 के और इसका बेस आपका 8 है। ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया है 2015 में, ठीक है। गेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसमें निकालना है कि एक्स और वाई की पॉसिबल कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 43 का बेस एक्स है और y3 का बेस 8 है, इसमें एक्स और वाई की पॉसिबल कितनी वैल्यू हो सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, सिंस रेडिक्स और बेस इज एक्स एंड नंबर कंटेन डिजिट्स 4-3, ठीक है। तो पहला जो नंबर आपको दे रखा है उसमें डिजिट आपके यूज हुए हैं 4 और 3 और इसका बेस कितना है x, ठीक है। तो सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 4, तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो x की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर सिस्टम में नंबर होता है वो अपने बेस से हमेशा छोटा ही होता है। जो भी इसमें डिजिट होते हैं उससे हमेशा बेस क्या होता है, वो बड़ा होता है, एक डिजिट है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें 4 से तो x बड़ा ही होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन आपकी 1 हो गई। इसके बाद आपका जो दूसरा नंबर दे रखा है एंड y और 3, ये आपके दे रखे हैं और इसका बेस 8 है, ठीक है, बेस 8 एंड डिजिट्स आर y, 3, सो y मस्ट बी लेस देन 8, ठीक है। तो इसमें जो भी डिजिट यूज होंगे इसका, जिसका बेस 8 है, तो वो सभी डिजिट 8 से तो कम होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि y मस्ट बी लेस देन 8, ओके, दैट इज़ y लेस देन 8, ये आपकी कंडीशन सेकंड हो गई, ओके। तो आपके पास दो कंडीशन निकल के आई हैं, y लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको 4-3 बेस x इज इक्वल टू y3 बेस 8, ये आपका नंबर कह रहा है इक्विवेलेंट है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कंडीशन क्या निकल के आएगी। तो हमने इसको सॉल्व किया तो वही सबसे पहले डेसिमल में जिस प्रकार से निकालते हैं उस प्रकार का हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 0, 1, 1 पोजीशन पे आएगा, 4 × x^1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 और ये बेस की पावर में एक कम हो जाएगा, तो यानी 3x^0, ओके, इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0 पोजीशन पे 3 और 1 पोजीशन पे y, तो y इंटू ये बेस कितना है 8, 8 की पावर 1 हो जाएगा 1, ठीक है, और प्लस 3 × 8^0 हो जाएगा, पावर में कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व किया, तो आप जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, तो 4x, ठीक, प्लस 3x^0 मीन्स 1 इक्वल टू 8y, ये आपका 8y हो गया, प्लस 8^0 मीन्स 1, यानी ये आपका 3 × 8^0 की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो 4x + 3 = 8y + 3, तो आप 3 दोनों तरफ है वो कट जाएगा, तो 4x = 8y आया। इसका मतलब 4 से अगर हम डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो x = 2y आएगा। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आया कि x = 2y आया है, ठीक है, ठीक है। तो मीन्स इसका है कि जो x की वैल्यू है वो y से दोगुनी है, ओके।
तो यहाँ पे हम x की और y, x और y की पॉसिबल वैल्यूज़ चेक करते हैं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है y की वैल्यू 8 से लेस होगी, तो हम सबसे पहले y की वैल्यू लेंगे 7, ठीक है। ग्रेड मीन्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हो। तो y आपकी y की पॉसिबल वैल्यू जब 7 होगी तो x की वैल्यू क्या है, दुगनी है, तो यानी 14 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद y की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, ओके। जब y की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट आपकी जो है y की वैल्यू जब 4 होगी तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू आपकी 3 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। इसके बाद कंडीशन आपकी एक और आएगा, देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 तक हो गया, फिर आपकी जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4, ओके। तो ये जो केस है अब ये इनवैलिड हो गया, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, हमेशा 4 से ग्रेटर ही होगी, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 से मैंने निकाला है, ठीक है। मीन्स अब y बराबर जब 1 होगा तो x बराबर कितना होगा, 2, तो वो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि x की वही वैल्यू एक्सेप्ट होंगी जो 4 से ग्रेटर होंगी। तो इसका मतलब है केस 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 केसेस हो सकते हैं, यानी x और y की 5 वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, पॉसिबल x y की 5 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ओके। तो इसका यही हमें आंसर निकालना था, बिकॉज x मस्ट बी ग्रेटर देन 4, हेंस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y मस्ट बी 5 केसेस पॉसिबल, ठीक है। x और y के जो वैल्यू हो सकती है वो पॉसिबल 5 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन है, दिख रहा होगा कि जब x की जब y की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी, दुगनी, और जब x की आपकी y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 5 तो x आपका 10 हो जाएगा, y बराबर 4 तो x बराबर 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 देन x आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 केसेस पॉसिबल हैं x और y की वैल्यूज़ के, ठीक है। तो इसलिए आपका ये 5 केसेस पॉसिबल है, यही आंसर है, ठीक है। तो ये गेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए डायरेक्ट नंबर सिस्टम पे ना पूछ के सिर्फ आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल पैटर्न बन रहा है कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, गेट हो या NTA नेट हो या CSIR आपका का नेट का एग्ज़ाम है, या फिर आपका इसरो के एग्ज़ाम में DRDO, इस प्रकार के जो भी कंप्यूटर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो रिपूटेड कंप्यूटर एग्ज़ाम्स हैं CSIT ग्रुप या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो जो भी इस प्रकार के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और वो अपना कंपटीशन बीट कर सकें, ओके। तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट हम वीडियो पर शेयर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।